बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिथे भी रहो, खुश रहो ते आबाद रहो, तो सानू भी दुआ याद रखते रहा करो। तो असी बाहर आए थे थोड़ी देर वास्ते, तो ना असी सेल साहब ने कहा सानू कितने लै जाओ बाहर, पेट टोर लिया, तो सानू कितने लैके आए। तो हाँ जी, तुम भी साढ़े नाल रहना, देखिए सानू कितने लैके जाते है। लैके सानू इतने आए कि सानू मकई के खेत खाने वास्ते लैके, बड़ी मकई सी, बड़ी छलियां लगियां हुई सी, तो सौंफ आ सौंफ लगी हुई बहुत ही ज़्यादा, वो सामने तक सौंफ ही सौंफ आ, तो मकई तो बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है ना। मतलब एक साइड से ना, मतलब जितली साइड से साड़ा घर, उस साइड से मकई बहुत ज़्यादा, चावल बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरी साइड से लैंड तो जाइए तो उधरली साइड से कपास आ, मतलब उधरली साइड बिल्कुल ना मनुशान है, ना मकई हैगी, ना ही वो है चावल है। इस टाइम असी ठीक मतलब आ गए से, लेकिन असं रस्ता भुल गए से, सानू ना पता नहीं चल रहा कि मेन रोड तक किस तरह तक पहुँचना। फिर असी इस तों दी बस्ती विच हो के ना मेन रोड तक गया से, इतने बकरियां से बड़े सोहने लग रही, असं चल रही से खेतों, तो चरवाहे भी नाल नाल से, तो बकरियां भी मजे कर रही सी। तो फिर असी भी थोड़ी देर बाद से इतने रुक के, फिर इतों इस बस्ती विच गुजर के अगे मेन रोड तक असी फिर गए। तो बड़ा मतलब शाम का टाइम से, तो बहुत ही पुरसकून माहौल से। तो फिर खाना पीता तो असं कुछ नहीं, बस एवं ना घूम फिर के वापस घर आ गए। तो जोड़े क्लिप सू अच्छे लगे उस आके थोड़े नाल शेयर कर दते। हाँ जी, तो वापसी तो असी ने फिर इतों भी गए से, सन रस्ता नहीं मिल रहा से, बड़ी मुश्किल से फिर ना, मतलब कहते होंगे बस गुजर के मेन रोड तक गए थे। तो वापस फिर उपर दी होकर वापस घर आ गए थे। मैं बड़ा क्या कि मतलब सुंदरों तो उन्होंने बड़ी सोहनिया लगन लगी, हम चलो देख ही लेंगे है मचाल है, ये काम नहीं करना, एक काम तो करे नहीं किस सुरते, मैं बाजारों लिया को चली गया, चली तोड़नी नहीं है, ना कहीं कोई देख लिया, चलो कुछ दिन तो बढ़ा दें, लेकिन नहीं तोड़ दीते। हाँ इधर साइड चावल लगे हुए हैं, तो दूसरी साइड तक दिखाई देखो माशाल्लाह बड़े सोहना मंजर, सूरज ग्रुप हो रहा, थोड़ी देर असर तो बाद गए थे। तो दूसरी साइड हद्दे निगाह मकई मकई बहुत ही ज़्यादा मकई खेत लगे सी, इन मोटिया मोटिया बड़िया बड़िया छलियां, बड़े मेरे तो मुँह च बड़ा देख के पानी आ रहा है, दिल का कर रहा है कि पांच सत्त तोड़ के तो इतने बैठ के भरनिया शुरू कर दिए, तो बड़ा मज़ा करिए नाल खाइए, तो बड़ा ही पुरसकून माहौल, तो मौजे ही हो जाए। देखो खाले पानी भरे पे बिल्कुल, आ चावल के खेत, चावल सड़क की दूसरी साइड से मकई लगी, वो सामने अमरूदा का बाग सामने नज़र आना ना, लेकिन वह काफ़ी दूर से उत्थे तक असं पहुँच नहीं सकते, बच्चे नाल से इस वजह तो फिर उत्थे तक नहीं जा सके। सामने अमरूद चावलों का चावल लगे हुए, चावल झोना कह रहे हो, मकई खाले काफ़ी बड़े बड़े से, पानी भरे हुए से, पार करने बड़ा मुश्किल से, देखो डबल डबल खा ले पर है, ये नहीं सिंगल है। बड़ी मकई फैसला सुना से, बड़ी मकई नहीं, पर हूँ इस इलाके च बहुत ही मकई नहीं, पानी ना ज़्यादातर हैगा काश्त होंगी पानी, तो पानी बिल्कुल मतलब 40-50 फुट पानी आ जाता, लेकिन साड़ी वाली साइड से जो पानी ने बहुत नीचे गहराई से है, 90 फुट 100 फुट जाके पानी आता, लेकिन इधरली साइड से ना पानी दरिया इलाका ना, तो पानी 40-50 फुट पानी आ जाता है। अगले दिन ही हो गया सुबह सुबह इंसीडेंट हो गया, अली इसका पैर आ गया मोटरसाइकिल, तो ज़्यादा शुक्र बच बचा हो गया, ज़्यादा नहीं मसला हो, लेकिन उसने चीपां काफ़ी की, तो काफ़ी दिनों तो अली हसन कह रहे थे आलू वाले पराठे खाने, तो वो तैयारी हो रही हैगी, आलू वाले पराठे बन रहे, सब्ज़ मिर्चा धनिया हर चीज़ आ गई से, अज संडे से, तो इस वास्ते थोड़ा जहा लेट भी उठे थे, तो नाल ही फिर फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहे थे, आलू वाले पराठे बन रहे हैं, ये हर चीज़ जो हर किसी ने बनाने आती है, ये दसा नमक मिर्च पाई, तो प्याज सब्ज धनिया सुखा धनिया, तो पा के मिक्स कर लिया, आलू बॉयल कर ले सके पहले, आलू सेल साहब ने बॉयल कर दी थी सीधी जी गल, तुम्हें मैं दस दें एवं। हलीम भी बाजारों आ गया, चावल छोटे वास्ते लैके आते हैं, उठिया नहीं है मोहम्मद साहब सोया हो, तो नाल हलीम ने, यार मैंने तो हलीम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लगता है लेकिन अली हसन बड़े शौक ना खाँदा, इस वास्ते फिर वो वास्ते हलीम लेके आता। हाँ धनिया रह गया सी पाने वाला, तो याद भुल चला से, तो फिर चलो हम इन भी धनिया भी पा लिया है,
ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਦਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਦੁਪਹਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣੇ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।